नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं अंकुरित अनाज में 4 गुना ज्यादा ताकत है। युवाओं को गेहूं, चना, दाल को अंकुरित करके खाना चाहिए, इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। यही है आज का हमारा टॉपिक आप सभी के लिए, जिसके सहारे आप अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद पाएंगे। किसी भी अनाज गिरी तथा बीज इत्यादि को अंकुरित करने का एक सीधा सा तरीका है। इसके लिए अनाज को 12 घंटे तक पानी में भिंगोने के बाद छानकर एक कपड़े में बांध लें, लेकिन इसके लिए 3 नियमों का पालन करना जरूरी है। पहला, भिंगोने के बाद पानी हटाना। दूसरा, पानी हटाने के बाद हवा लगाना। और तीसरा, अंधेरा। जी हाँ, मूंगफली में 12 घंटे में अंकुर फूटते हैं, चना 24 घंटे में, गेहूं आदि 36 घंटे में अंकुरित होते हैं। वैसे तो अंकुरित अनाजों को कच्चा ही खाना चाहिए, लेकिन यदि उन्हें स्वादिष्ट बनाना है तो उनमें थोड़ी मूंग भिगोकर मिला दें, फिर उसमें हरा धनिया, टमाटर, अदरक और प्याज मिला लें। यदि उसमें चना मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी मात्रा में मिलाएं। प्रश्न उठता है कि उन्हें अलग अलग भिंगोएं या एक साथ? इसे अलग अलग भिंगोना अच्छा है। जैसे आपने चना भिंगोया और उसके साथ मूंग भी भिंगो दी, लेकिन दोनों के अंकुरित होने का समय अलग अलग है। ऐसे में मूंग पहले ही अंकुरित हो जाएगा, लेकिन चना नहीं हो पाएगा। यदि चने के साथ मूंग को 24 घंटे छोड़ते हैं तो मूंग का अंकुर अधिक लंबा हो जाएगा और उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। जिनका अंकुरण समय एक समान हो, उन अनाजों को एक साथ भिंगो सकते हैं आप। अंकुरित आहार लेने के फायदों को जानते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें वेस्टेज नहीं होता है, जिसके कारण उसे निकालने के लिए शरीर को अनावश्यक एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। शरीर में वेस्टेज न होने से एनर्जी शरीर की सफाई में लग जाती है, जिससे सारे शरीर की सफाई हो जाती है। इससे रोग पैदा होने का जो भी कारण है वह शरीर से बाहर निकल जाता है। उदाहरण के लिए, किसी को हार्ट ब्लॉकेज है तो उसको पूर्ण रूप से नेचुरल डाइट पर डाल दें, इससे उसके हार्ट की सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी। किडनी प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब 50% या 60% किडनी खराब हो चुकी होती है तब उसके बारे में पता लग पाता है किसी को भी, और जब टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि 20% से 30% ही किडनी काम कर रही है। इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा से करें और नेचुरल डाइट लें, इससे शरीर में बाहर से कोई वेस्टेज नहीं आएगा, जिससे किडनी का कार्य कम हो जाएगा। अर्थात उस वेस्टेज को निकालने के लिए किडनी को कम काम करना पड़ेगा। नेचुरल डाइट से वेस्टेज नहीं बन पाता है, जिससे किडनी को आराम मिलता है। जिस तरह सुबह को काम करने और रात को सोने से सारी थकान दूर हो जाती है, उसी तरह जब किडनी को आराम मिलता है तो धीरे धीरे किडनी के सारे सेल्स नए बनने लगते हैं, जिससे किडनी फिर से अपना काम ठीक तरह से करने लगती है। प्राकृतिक तरीके से नेचुरल डाइट द्वारा शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने से रोग धीरे धीरे सही हो जाता है। हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथि में खराबी आई हो तो उसे नेचुरल डाइट से ठीक किया जा सकता है, और इसके साथ ही पुराने सेल्सों को भी बनाया जा सकता है। आप यदि चने को भिंगो दो तो उसमें अंकुर आ जाएगा, अर्थात यह जीवित भोजन है, लेकिन उसी को भून लो, फिर कितना भी पानी डालो उसमें अंकुर नहीं फूट सकता है, क्योंकि उसका बहुत सारा हिस्सा नष्ट हो गया होता है और केवल थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन बचा होता है। ऐसे में यदि हम खा ही रहे हैं तो हम पूरा न्यूट्रिशन क्यों ना खाएं? हम वेस्टेज प्रोडक्ट को शरीर में क्यों बनने दें, जिससे निकालने के लिए अनावश्यक एनर्जी भी लगानी पड़े हमें? इसलिए अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं और अंकुरित अनाजों का सेवन करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से यूं ही बचे रहेंगे। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।